दोस्तों ये सिर्फ नगर नहीं है, ये वो दिव्य भूमि है जहां हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, यहां पे शासन किया और यहां के राजा कहलाए। और यहां पे मैं क्यों आया हूं? क्योंकि मेरी तरह लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये केंद्र है और सब लोग यहां पे पहुंच रहे हैं। और वो पहुंच क्यों रहे हैं वो कारण आप सब जानते हैं, क्योंकि यहां पर 22 जनवरी को हमारे रामलला विराजमान होने वाले हैं 500 साल के संघर्ष के बाद। वही राम भगवान जो कि बहुत बड़े पशु प्रेमी थे, जिनके युद्ध में मानवों ने नहीं जानवरों ने भी पक्षियों ने सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और लंका पर विजय प्राप्त करी थी, वही प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो मंदिर की स्थापना होने वाली है उससे पहले इस दिव्य नगरी में बहुत सारे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, वही चमत्कार जिन पर कईयों को अब यकीन भी नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे पशु ऐसे ऐसे पंछी जो विलुप्त माने जा चुके थे वो दिखना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, मैं भी अयोध्या को कवर करने आया हूँ, अयोध्या के बारे में जानने आया हूँ और जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक बहुत ही चमत्कारिक चीजें देखने को मिल रही हैं। आपने सुना होगा जटायु के बारे में, जटायु जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था सीता माँ को बचाने के लिए और राम जी की गोद में उन्होंने ही बताया था मरने से पहले के रावण माता सीता का हरण करके ले गया है। उन्हीं जटायु को जिनको आज से 23 साल पहले विलुप्त मान लिया गया था, उन जटायु को दोबारा यहाँ पर देखा गया है और वो भी एक दो नहीं हजारों की संख्या में। और ये आप चमत्कार मानिए इत्तफाक मानिए पर प्रभु श्री राम के आने से पहले यहाँ पर उसी तरीके से रामायण से जुड़े जितने पंछी थे जितने पशु थे वो सब दिखना शुरू हो गए हैं। मैं आपको अयोध्या की बात करूँ तो ये अयोध्या नगरी है और यहाँ पर यहाँ के लोग हैरान हो गए हैं कि जैसे जैसे मंदिर की तारीख पास आती जा रही है बड़ी संख्या में बानर और बंदर यहाँ पे दिखना शुरू हो गए, यहाँ पर गिलहरियां तक दिखना शुरू हो गई हैं, बहुत ज्यादा गिलहरियां। और जो सबसे ज्यादा अचरज में डाल रही है, सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है, सबसे ज्यादा लोगों को चमत्कार जिसमें लग रहा है वो है, जिन्हें विलुप्त माना जा चुका है वो है जटायु, जिन्हें हम गिद्ध के नाम से जानते हैं। गिद्ध आप सब जानते हैं पर्यावरण के रक्षक होते हैं, मतलब जो मृत जो देह होती है, जो मृत शरीर होते हैं, जो लाशें होती हैं उन्हें खा के अपना गुजारा करते हैं और पर्यावरण की रक्षक उन्हें माना जाता है। तो वो गिद्ध जिन्हें 23 साल पहले हम विलुप्त मान चुके थे उन गिद्धों के झुंडों को यहाँ पर अयोध्या में देखा जाने लगा है। यहाँ पर अयोध्या के पास एक मिलखवी गाँव है, एक मलिकपुर जंगल है, वहाँ पर बड़ी संख्या में गांव के लोग देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में जटायु के झुंड आने लगे हैं। तो दोस्तों ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि वो सब जो रामायण काल में राम जी के सहयोगी थे वो सब प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहाँ पर अयोध्या धाम में दिखने लगे। सामने आप राम की पैड़ी देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत दिव्य ये स्थान है राम की पैड़ी, बिल्कुल हर की पौड़ी की तर्ज पे ही इसको बनाया गया है। यहाँ पर पैड़ी मतलब आप समझ सकते हैं सीढ़ी, और ये देखिए सामने कितना खूबसूरत नजारा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे नेता गण वीआईपी सब जने आ रहे हैं, सब जने बहुत बड़ी संख्या में 4-5 हज़ार तो यहाँ पे वीआईपी आ रहे हैं। और मैं 2 दिन से अयोध्या में हूँ, मैं अयोध्या को पूरा कवर कर रहा हूँ और यकीन मानिए अयोध्या की पूरी कायापलट हो चुकी है। मैं अगर घाट की बात करूँ, देखिए मैं आपको बंदरों की ही बात कर रहा था कि जहाँ था पहले इतने बंदर यहाँ पे होते नहीं थे, 2-4 बंदर 5 बंदर ऐसे दिखते थे, पर अब बड़ी संख्या में बंदर ही बंदर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये प्रभु श्री राम की ही महिमा है, क्योंकि राम जी को जाना जाता था राम जी सबके होते थे, यही हैं वो बानर बंदर जो पूरे अयोध्या में हमें देखने को मिल रहे हैं। जंगलों में भालुओं को देखा जा रहा है, आसमानों में गिद्धों को देखा जा रहा है, जहाँ तहाँ आप देखेंगे बंदर ही बंदर यहाँ पे हर जगह नज़र आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके के झुंड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था, जबकि बीच में बोला लगे थे कि बंदर गायब होने लगे हैं, पर ये 1-2 महीने से देखा जा रहा है। आसमान गिद्धों से भर गया है और जंगल जटायु से गिद्धों से और भालुओं से भर गया है। इसकी राम की पैड़ी की बात करूँ तो कितनी सुंदर चित्रण यहाँ पे, हर जगह आपको चित्र देखने को मिल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ इन्होंने इसको बनवाया इस पूरे राम की पैड़ी पे, और रामायण काल से जुड़ी हुई जितने भी दृश्य हैं, जितने भी हमारी कथाएं हमने सुनी है रामायण में, उस सबको यहाँ पे दर्शाया गया है। जो जो राम जी का जीवन था, राम जी ने जीवन में जो जो भी क्रिया करी, जैसे आपको सामने यज्ञ दिख रहा है, हनुमान जी भी बैठे हैं, राम जी भी बैठे हैं, और यहाँ देखिए कण कण में राम हर जगह, मतलब आपको हर जगह राम जी का आभास यहाँ पे होगा, राम जी की भूमि है दिव्य। और बातें करते करते अभी देखें मैं आपको यहाँ पे ले आया हूँ इस पवित्र सरयू नदी में, जिसे मोटर के थ्रू यहाँ से निकाला गया है। तो ये घाट बड़ा सुंदर है, देखिए सामने वो दिख रहा है मोटर के थ्रू, उसके थ्रू यहाँ से निकाल के ये वापस आगे जाके दोबारा सरयू में मिल जाती है। और सरयू की पवित्रता की बात करूँ तो देखिए कितना स्वच्छ जल है, बिल्कुल माँ गंगा वाला ही आभास हो रहा है, एकदम स्वच्छ जल आ रहा है, अच्छा बहाव भी है, बीच में फाउंटेन वगैरह भी लगे हुए हैं। तो
मैंने आपको थोड़ा सरयू का ये आपको राम की पैड़ी दिखा दिया है, कितना भव्य ये घाट है। दोस्तों जटायु जिन्हें गिद्ध भी कहा जाता है उनकी बात करूं तो उनकी जो देखने की शक्ति है, देखने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे उड़ते हैं और ऊंचाइयों पे उड़ने के बाद भी कहा जाता है कि वो हाथ में बंधी किसी भी व्यक्ति की घड़ी में जो टाइम है वो बता देते हैं, वो ऊपर से उड़ के वो देख सकते हैं, इतनी शार्प उनकी नज़रें होती हैं। तो एक बार को ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने देख लिया है कि राम मंदिर कहाँ बन रहा है, हजारों किलोमीटर दूर से अगर वो देख रहे हैं तो वो उड़ के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ना जटायु को यानी गिद्धों को विलुप्त मान लिया था आज से 23 साल पहले। बड़ी सी उनके पंख होते थे, बहुत ही बड़े उनके पंख हैं, आपने देखा होगा। गर्दन उनकी पतली सी होती है, लंबी सी उनकी चोंच होती है, बाल वाली उनकी गर्दन होती है, बहुत ही लंबे और विशाल काय वो पक्षी माने जाते हैं। हजारों की संख्या में ये कहाँ से आ रहे हैं किसी को नहीं पता, भारत में किस क्षेत्र से लौट रहे हैं, भारत के बाहर कहाँ से आ रहे हैं कुछ नहीं जानते हैं। बस जानते हैं कि ये कि प्रभु श्री राम का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उनके मंदिर की, और पहुँच रहे हैं उनके वो सहयोगी जो रामायण काल में भी उनके साथ थे। राम की पैड़ी बहुत ही भव्य, राम की पैड़ी ये है, हर की पैड़ी का मैं हूँ और राम की पैड़ी पे मैं खड़ा हूँ, और दोनों ही सप्तपुरी अयोध्या और सप्तपुरी में मैं जन्मा हूँ अपने हरिद्वार में। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मुख्य हमारी जो सरयू धारा है, सरयू नदी है, वो कितनी भव्य है, उधर के भी मैं आपको दिखाता हूँ दर्शन। अभी यहाँ से हम राम की पैड़ी से ऊपर वाले घाट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ देखिए मीडिया किस तरीके से वैन है, भरमार है, हर तरफ मीडिया के लोग ही मिल रहे हैं क्योंकि दिन इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा ये खास मौका है। इतने लंबे संघर्ष के बाद हमें हमारा प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो मिलने वाला है। और यहाँ से अब हम मुख्य घाट की तरफ जा रहे हैं जिसे बड़ा घाट बोल सकते हो, मेन घाट है जो सरयू के बिल्कुल तट पर, तो उसके भी दर्शन कराए। और इसी के किनारे पर हमें बड़ी संख्या में गिद्ध वगैरह नज़र आते हैं। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ये एरिया है। और ये देखिए ये नया घाट आपको दिख रहा है, यही नए घाट पे अब बनारस की हरिद्वार की तर्ज पे यहाँ पे आरती होने लगी है। यहाँ पे ये तख्त हैं जो आपको दिख रहे होंगे लकड़ी के, इन लकड़ियों के तख्तों पर आरती शाम के टाइम सुबह के टाइम पे करी जाती है। तो सरयू नदी बहुत पवित्र नदी है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में, तो इसमें स्नान करने से बोला जाता है मोक्ष की प्राप्ति होती है बिल्कुल हरिद्वार की तरह ही। तो मैंने कहा आपको पास से ज़रा इसके भी दर्शन कराए जाएँ, सरयू नदी के इस पवित्र घाट के, बड़ा घाट जिसके नाम से हम जानते हैं। पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पे ये भी चल रहा है, पूरा डेवलपमेंट का कार्य यहाँ पे कराया जा रहा है, वाटर गेम की एक बड़ी डेस्टिनेशन के तौर पे से तैयार किया जा रहा है सरयू नदी पे। बिल्कुल जैसे मैंने आपको टिहरी झील दिखाई थी ना, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पे डूबे नहीं, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, फिर वाटर एक्टिविटी यहाँ पे बड़े पैमाने पर कराई जाएगी। ऊपर ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ये बहराइच की तरफ जाता है, बहराइच गोंडा है उसकी तरफ ये पूरा जा रहा है। इस तरीके से मोटर चलती है, मोटर बोट वगैरह देखिए, तो माँ सरयू के ऊपर इस तरीके से राइड ले सकते हो, बोटर राइड। और यहाँ पे ही जो गिद्धों की जो पसंदीदा जगह है जटायु की, वो यही है सरयू का किनारा, यहीं पे बड़े पैमाने पर उनके झुंड के झुंड दिख रहे हैं। ये सामने आपको पेड़ दिख रहा है, इन पेड़ों के पास में क्योंकि गंगा का किनारा है, सरयू माँ का किनारा है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जैसे लाश वगैरह है, यहाँ पे बड़े संख्या में पशु पक्षियों की लाशें मिलती हैं, तो यहाँ पे उनका पसंदीदा स्थान है, तो यहीं पे देखे जा रहे हैं ये सब। तो दोस्तों यही चमत्कार से भरी मैंने आपको एक यहाँ पे जानकारी दी है, ऐसी ही जानकारी मैं लगातार अभी अयोध्या की सीरीज में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, सबके साथ शेयर कर दे, क्योंकि राम की महिमा है, राम की नगरी है और राम की प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। तो बहुत कुछ आपको अभी इस सीरीज़ में और मिलने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम।